नमस्ते पीपल, दिस इज योर बॉय सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के, तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन एक काफी अनकॉमन एंड काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है किसी भी वीडियो के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो को एंड तक, देखिए आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। एक जानने वाली जानकारी ये है कि प्रोस्टिट्यूशन दोस्तों काफी पुराना काम है, आपके आने से पहले भी था, मेरे आने से पहले था और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। अगर आपको लगता है ये काम इलीगल है या ये गंदा काम है, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे ये फुली लीगल है और इस वीडियो में हम उन्हीं कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं। 15 नंबर पे जो कंट्री है उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड पे प्रोस्टिट्यूशन फुली लीगल है, यहाँ पे फुल स्ट्रीट है, रेड लाइट एरिया है जहाँ पे आप जाके इनकी सर्विसेज को ले सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी इलीगल इशू के या लीगल इशू के। 14 नंबर पे जो कंट्री है वो है साउथ ईस्ट एशिया की काफी पॉपुलर कंट्री जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पर भी प्रोस्टिट्यूशन को इलीगल नहीं बोला गया है, यहाँ पे फुली लीगल है सेक्स ट्रेड। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वर्कर्स एंड माइनर्स को लेके, बट अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो यहाँ पे आपको फुली प्रोस्टिट्यूशन लीगल मिलेगा। 13 नंबर पे ग्रीस। अगर आपको ग्रीस जाने का मौका मिलता है तो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन फुल ही लीगल है और इसको एक एक्चुअल जॉब की तरह माना जाता है। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वर्कर्स को, प्रोस्टिट्यूट्स को फुली राइट्स हैं सारे के सारे, और उनको यहाँ तक कि टैक्स भी पे करना पड़ता है और उनको इसके साथ में मिलती है हेल्थ बेनिफिट्स भी। 12th नंबर जो कंट्री है उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया गया था 1927 में। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग या कोई भी ओनर डॉक्टर रन कर सकता है, फुल ही लीगल है। प्रोस्टिट्यूट्स को यहाँ पे ऑफकोर्स पेंशन भी मिलती है और पेंशन के साथ में उनको टैक्स पे करना पड़ता है और साथ में मिलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स भी। नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस में प्रोस्टिट्यूशन तो लीगल है बट इसके साथ में यहाँ पे ब्रॉथल्स एंड पिम्पिंग इज इलीगल। 1946 के बाद जब वॉर खत्म हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू, उसके बाद में यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया गया बट बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इलीगल है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर में किसी भी टाइप के सेक्स रिलेटेड वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूशन, पिम्पिंग, ब्रॉथल सारी चीजें लीगल है। 9th नंबर जो कंट्री है इसका नाम है डेनमार्क। अगेन एक यूरोपियन कंट्री, यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तो लीगल है, साथ में गवर्नमेंट हेल्प करती है उन प्रोस्टिट्यूट्स को जो डिसेबल है, हैंडीकैप है, एक्स्ट्रा पे करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी डिसेबल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जाते हैं तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, एक अच्छा तरीका है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। 8th नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया में किसी भी टाइप की सेक्स इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बट अगर आप यहाँ पे एजेंट बनना चाहते हैं या किसी भी टाइप के पिंपिंग करना चाहते हैं तो वो फुल्ली इलीगल है। नेक्स्ट जो कंट्री है उसका नाम है कनाडा। कनाडा में अगर आपको अपनी बॉडी को बेचना है, प्रोस्टिट्यूट करना है तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफी बड़ा फ्लॉ ये है कि सेक्स को खरीदना इलीगल है, तो इसकी वजह से काफी अजीब सा ये लॉ है कि आप प्रोस्टिट्यूट कर भी सकते हैं बट सेक्स खरीद नहीं सकते। 6th नंबर जो कंट्री है काफी बड़ी कंट्री है, इसका नाम है ब्राजील। ब्राजील में किसी भी टाइप का प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बट अगर आप ज्यादा ड्रग्स वगैरह के धंधे में हैं तो आप लोग को पुलिस पकड़ सकती है, आप फंस सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल। 5th नंबर पे यूरोप की काफी खूबसूरत कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। बेल्जियम में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बट यहाँ की सोसाइटी की काफी धारणा है इसको लेके। इससे बचने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी अच्छे ब्रॉथल्स बनाए हैं, यहाँ तक कि यहाँ के सेक्स वर्कर के आप देख सकते हैं काफी अच्छे हैं। साथ ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी है, की कार्ड्स हैं, यानी कि प्रोस्टिट्यूट को हर टाइप की सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश में लीगल है प्रोस्टिट्यूशन, ब्रॉथल, पिंपिंग करना। हाँ, बस एक ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से माइनर्स को इस काम में धकेला जाता है जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ चांस मिले या कभी आप जाएं, मुझे नहीं पता क्यों, बट इन सब चीज़ों से बच के रहना। 3rd नंबर पर जो कंट्री है इसका नाम है ऑस्ट्रिया। अगेन ये एक यूरोपियन कंट्री। अगर आप यहाँ पे 19 साल से ज्यादा के हैं तो आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए आपको रेगुलर हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही आपको अपना चेकअप भी करवाना पड़ता है रेगुलर एक जॉब की तरह। 2nd नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है बट आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी स्टेट में है,
किस स्टेट में यहाँ पे लीगल है, किसी में इलीगल है, तो आप जिस स्टेट में हैं उस चीज का आप ध्यान रखें, उनके लॉस का पालन कीजिए। इस लिस्ट की जो आखिरी कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को 2003 के बाद से लीगल कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी प्रोस्टिट्यूशन करता है उसको हर टाइप के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगेन उनको टैक्स पे करना पड़ता है, एक रेगुलर जॉब की तरह उसको माना जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी प्रोग्रेसिव वे इस सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, बट इसको अच्छी नज़रों से भी नहीं देखा जाता है। जैसे कि जो जगह है कोलकाता में सोनागाछी, इन दिल्ली में जेबी रोड, अगर ये सब जगह है जहाँ पे ये इलीगल नहीं है बट लीगल भी नहीं है। हाँ, ब्रॉथल रन करना फुल्ली इलीगल है इंडिया में। तो दोस्तों कुछ थी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन फुल ही लीगल है। अगर आपको वीडियो काम का लगा हो, एंटरटेनिंग लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।